इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट महावीर नगर अहमदाबाद, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अध्यक्ष अशोक चंद्र जैन, मंत्री मुकेश वीरेंद्र कुमार जैन। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद की पावन भूमि अमराईवाड़ी स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर में 13 से 17 मार्च 2023 के मध्य श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रभु आराधना कर पुण्य लाभ के साथ साथ असीम भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पंच दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन के मनोहारी दृश्य। गुजरात प्रांत की धार्मिक नगरी अहमदाबाद के अमराईवाड़ी स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर में 13 से 17 मार्च 2023 के मध्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। यात्रा के दौरान रजतमयी रथ में विराजमान प्रभु मंगल कलश धारण किए श्रेष्ठियां धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच नाचते थिरकते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवरों के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर गगनभेदी जयकारों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवरों की उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवरों के पाद प्रक्षालन के पश्चात जिनेन्द्र भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान तीर्थंकर का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना भाई। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः।
अगले क्रम में आयोजक गणों ने श्रीफल लेकर गुरुवर से कार्यक्रम के लिए प्रार्थना कर आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रातः कालीन वेला में मूल ने भगवान से आज्ञा ली, अब जिनके सानिध्य में हम मंगल ससंग सानिध्य में जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के हुए हैं, हे मुनिवर आप हम सभी को ऐसा मंगल आशीष प्रदान करें जिससे हमारा कार्यक्रम धर्म प्रभावना पूर्वक सानंद संपन्न हो। हे मुनिवर इस कार्यक्रम में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर से आज्ञा लेने के बाद विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज की अमृत वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आज यहाँ पर आदिनाथ प्रभु के पंच कलणक की प्रारंभ वेला में यहाँ आने लायक हैं। आपके पैर यहाँ आने लायक हैं, आपके नेत्र प्रभु के कलणक देखने लायक हैं, आपके कान गुरुओं की वाणी सुनने लायक हैं और आपके हाथ श्री जी के ऊपर अभिषेक करने लायक हैं और आपकी बुद्धि ठीक ठाक काम कर रही है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी जब बुद्धि खराब हो जाती है तो प्राणी अपनी समूची क्षमताओं का सही जगह पर सही भावों से सदुपयोग नहीं कर पाता। इसलिए आप सभी जितने पांडाल में बैठे हुए हैं सभी लोग सौभाग्यशाली नहीं अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ उपस्थित हैं। गुरुवर की अमृतवाणी के पश्चात सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंगल कलश के पवित्र नीर से मंडल शुद्धि एवं वेदी शुद्धि आदि की क्रियाएं की। अजित कलश ओमरी अपराजित कलश ओमरी सदानंद कलश ओमरी ओम पारिजात कलशन ओमी संतान कलशन ओमी हरिचंदन कलशन ओमरी कल्प वृक्ष कलशन ओमी जाप कलशन ओमरी विशाल कलशन ओमरी चंद ओमी भद्र कुंभ कलशन ओमी पूर्व कलशन ओमी जयंत कलशन ओमरी विजयन। अगले क्रम में मांगलिक क्रियाओं के साथ ही पुण्य प्रतापी परिवारों ने मंडल जी पर मंगल कलश आदि स्थापित करने के साथ ही दीप ज्योति प्रज्वलित की। अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित करने के दौरान संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। पंच महाव्रत समित गुप्त धर दस्तर मुखा जो धारा विषय कसाय आरंभ परिग्रह सबसे चित्त को निर्वार ध्यान स्वाध्याय साधु परमेश्वर व्यवहार ज्ञान निर्वपामिति अर्घ्य समर्पण के बाद तीर्थंकर के माता पिता महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी का मुकुट आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। ओ सज रही मरुदेवी माँ सोने के गोटे सज रही मरुदेवी माँ सोने के गोटे ओ सज रही मरुदेवी माँ सोने के गोटे सांध्या बेला में श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी।
पश्चात श्री विनोद भैया जी ने शास्त्र वाचन कर श्रावक श्रेष्ठियों को अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। आदिनाथ भगवान के रूप में आप हम देखेंगे। भगवान कहते उन्हें हैं जिनके पास भग होता है। जैसे किसी के पास ज्ञान होता है तो अपन ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं। धन होता है तो अपन धनी या धनवान कहते हैं। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र के दरबार में इंद्रगढ़ तत्व चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का आगमन होता है और उनके सम्मान में अप्सराएं भक्ति नृत्य करती हैं। समाधान कीजिए, देव शास्त्र गुरु का पूजन कैसे करना चाहिए? देव शास्त्र गुरु की पूजा शुद्धता पूर्वक, कामना से रहित, प्रासुक सामग्री से श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, गुण चिंतन मन करते हुए करना चाहिए। दरबार में अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। वे उठकर खड़े होते हैं और अब्धि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करती हैं। लेट करके साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमो शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। जानकारी देने के बाद सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं। मानियो देवेंद्र धनपति का प्रणाम। आओ मित्र कुबेर, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण करिए। सचिन इंद्राणी को कुबेर इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार हो। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। आओ कुबेर रानी, आपका स्वागत है। सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करने का आदेश देते हैं और धनपति कुबेर के आदेश पर शिल्पकार अयोध्या नगरी की व्यवस्था करते हैं। कुबेर प्रभु के अवतरण की प्रसन्नता में रत्न वृष्टि करते हैं और अयोध्या पहुंचकर महाराजा नाभिराय को उपहार भेंट करते हैं। महाराज नाभिराय की जय हो। ये महाराज हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आओ धनपति कुबेर जी, आपका स्वागत है। आपकी भेंट स्वीकार की जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिए। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद माता मरु देवी की सेवा में लग जाती हैं। माता मरु देवी को रात्रि चौथे पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। Thank you.
दुर्गा माता को स्नान आदि कराने के बाद अष्टदेवियां माता से प्रसन्नता का कारण पूछती हैं, तो माता मरु देवी सोलह स्वप्न के विषय में बताती हैं और दरबार ले चलने को कहती हैं। विलम्ब से क्यों जागी? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आपको नींद अच्छे से आई? मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, मुझे नींद भी अच्छी से आई, इसलिए देर से नींद खुली। कौन से सपने देखे माँ, मुझे भी बताओ। और माँ, देखे गए रात्रि के सोलह सपने एक दादरे के माध्यम से बताने लगती हैं। अगले क्रम में स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता मरु देवी के लिए उपहार लाती हैं और माता के सम्मान में भक्ति नृत्य करती हैं। माता के कहने पर अष्टदेवियां माता को दरबार ले जाती हैं और माता मरु देवी महाराज नाभिराय को सोलह स्वप्न के विषय में बताती हैं। तो महाराजा नाभिराय फल कथन के रूप में भगवान आदिनाथ के होने के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। रात्रि में मैंने 16 सपने देखे, उन सपनों का फल जानने आई हूँ, कृपया मेरे सपनों का फल बताइए। बताइए महारानी जी, कौन से सपने देखे? हम सपने 16 देखिया हे नाथ, पिछली रात में हम सपने 16 देखिया, गज भैरवी कमला। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य मुनिश्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम दिन गर्भ कल्याणक की पावन झलकियों का आनंद लिया। ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के व्यवसायिक केंद्र अहमदाबाद स्थित अमराईवाड़ी के श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर में 13-17 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जिनेन्द्र भक्तों के अलावा बाहर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट महावीर नगर अहमदाबाद, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अध्यक्ष अशोक चंद्र जैन, मंत्री मुकेश वीरेंद्र कुमार जैन।